यार श्रेया, अच्छा ओके गुड इवनिंग। तुम्हारा रिज्यूम देख रहा था मैं कि एग्जैक्टली तुम कौन से लोकेशन से और क्या क्या तुमने पढ़ाई किया हुआ है। तो तुमने बीटेक किया हुआ है पारुल यूनिवर्सिटी राइट? यस सर, ये कहाँ पे यूनिवर्सिटी है? मतलब मुझे आइडिया नहीं, सॉरी, सब गुजरात वडोदरा में। गुजरात में। ओके ओके। और तुमने गेट भी क्लियर किया हुआ है राइट? यस सर, गुड, यस मतलब सर, बेसिक्स तुम्हारा क्लियर है तरीके से। यस सर। ठीक है, हाँ जी डियर, बताओ क्या डाउट है तुम्हारे? सर एक्चुअली क्या था कि 2021 में तो मैंने गेट का प्रिपरेशन किया क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हो सकता है, मतलब कि कितने सारे फील्ड्स होते हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि अब 2022 आ गया और अब मुझे ऐसा हो रहा है कि अब एक टाइम आ रहा है कि अब मुझे कहीं ना कहीं लग जाना चाहिए, जॉब के लिए नहीं तो अगर मैं गवर्नमेंट, हाँ नहीं तो अगर मैं गवर्नमेंट में लगी रह गई, मैं सिर्फ क्वालिफाई करती रहूँगी, मैं अपने सिर्फ रेज्यूमे में क्वालिफाइड क्वालिफाइड करती रहूँगी और फिर मेरा कहीं नहीं लगेगा, एटलास्ट मैंने घर पे बैठे रह जाना है। करेक्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि डियर, एक तो गवर्नमेंट की स्पेसिफिक सीटें हैं, 500 हाँ 600 सीटें हैं और 5 लाख से हाँ ज़्यादा लोग हैं जो हाँ उसके लिए बैठे और हैं। मुझे इतना कॉन्फिडेंस अभी फिलहाल खुद पे नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना आएगा कि मैं उसमें बैठ सकती हूँ। अगर होगा तो भगवान न करे, आगे चल के अगर होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा, लेकिन मेरे को एक, यस सर, मेरे अकॉर्डिंग मुझे मतलब अभी मैंने कभी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिया नहीं है डियर, ठीक है, यस मतलब मैं सर, कभी नहीं दिया है, बट मैंने रेशियो देखा कि जितनी मेहनत वहाँ पर नीड है, अगर उतनी मेहनत हम प्राइवेट सेक्टर में कर दें, ठीक है, यस सर, तो यू कांट बिलीव जो वहाँ पे सैलरी मिलने वाली है यस उसमें सर, इंटू 10 कर दीजिए आप। हाँ जेन्युइनली। अब मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट में एक ऐसा होता है कि आप एक कुएं के मेंढक हो जाते हो, उसी एरिया में रहते हो, जैसे मेरी दी लोग हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो वो उनका उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ पर्सनैलिटी का। और मुझे ऐसा लगता है जो प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं, जैसे कुछ मेरे हैं कजिन्स हैं, तो उनका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ है वो देख के मुझे अच्छा लगता था कि हाँ इनको देख के लगता है कि ये कुछ हैं। उनको रीजन भी है ना कि अगर वो नहीं रहेंगे तो गायब भी हो जाएंगे, ठीक है, मतलब हाँ इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज यस सो सर, नो वन इज गोइंग टू गिव यू वैल्यू, यस सर, और यहाँ पर जितना यस नॉलेज सर, उतना पैसा ले लो। तो फिलहाल अभी तुम्हारा मतलब हाँ मेन क्वेश्चन ये है कि यू डन योर गेट, अब तुम ये माइंडसेट बना चुकी हो कि अब हाँ मैं किस में जाऊँ, आई थिंक तुम्हारा ये माइंडसेट है राइट? यस सर। सर एक्चुअली क्या था कि अभी तक मैंने मतलब कि लिंक्डइन में कुछ इतना वो किया नहीं था, तो मैंने एक दी से बात किया तो उन्होंने बोला तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, तो वहाँ मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा इंटरेस्ट तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या ब्रांचेस होते हैं। मैंने कहा मैं तो अभी तक सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दिया, मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया मेरे ब्रांच, मैं तो इंटरेस्ट किस पे है। फिर मैंने आपसे कनेक्ट किया, मेरी एक फ्रेंड है उसने मुझे आपका गाइड मतलब मुझे बोला कि तू इनको फॉलो कर, चेक कर, तो मैंने देखा आप लेते हो, तो मैंने कहा एक बार मैं मैसेज करती हूँ, क्या पता मेरा भी लक लग जाए, ऐसा अरे काउंसलिंग दे नहीं, दे तो मुझे, ऐसा कुछ नहीं। तो और फिर मैंने इसलिए, यस कंटिन्यू सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ तो फिर इसलिए फिर मैंने कहा कि एक बार फिर मैंने पूरे ब्रांचेस देखे सिविल में क्या होते हैं, फिर मैंने देखा कि किस में इंटरेस्ट है, तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरा ना साइट इंजीनियर्स में नहीं है, मतलब मैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग सर्वेइंग ये मुझे कभी सब्जेक्ट पसंद नहीं थे, मुझे स्ट्रक्चर्स में ही था कि मतलब कि स्ट्रक्चर्स में मुझे इंटरेस्ट आता था कि पढ़ती थी तो हाँ लगता था कुछ है। इवन अभी भी जब मैंने गेट की प्रिपरेशन की, मैं स्टील का पढ़ा, मैंने और भी चीज़ें पढ़ी तो मुझे इंटरेस्ट आया कि हाँ मुझे समझ में आ रही थी चीज़ें, बस हाँ ये है कि रिवीजन नहीं करोगे तो दिमाग से निकलेंगी चीज़ें, लेकिन समझ में मुझे पूरा आया हुआ है, तो ये है कि इंटरेस्ट उधर ही है। फिर मैंने ये देखा कि मैंने फिर सोचा कि अब मैं कैसे मुझे जाने को मिलेगा, कोई मतलब मैं सोर्स नहीं कि मैं कैसे घुसूँ वहाँ पे, तो मुझे समझ ही नहीं ऐसे आया सर कि मैं कौन सा कोर्स लूँ। मैंने आपका कोर्स भी देखा तो उसमें था ऑल इन वन, फिर बीम, फिर अभी आपका पी भी चल रहा है, तो मैंने कहा ये सब चीज़ें अब क्या हैं ये भी मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ। तो मैंने सर निकमार का भी देखा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का और कंस्ट्रक्शन का, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मतलब इवन अलाउ भी कर दिया कि तुम जा सकते हो अगर तुम्हें जाना है तो। फिलहाल तो मैंने सोचा था एजुकेशन लोन लेके मैं चली जाऊंगी निकमार्क में, लेकिन मैंने कहा उस फाइनेंशियली भी इशू भी नहीं, लेकिन मैंने कहा वर्थ होगा मेरा वहां जाना कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि क्यों जाना चाह रही हो अभी तुम बिना एक्सपीरियंस लिए वहां पे, तो मैंने कहा मैं कैसे जॉब में घुसूँ, मुझे अभी जॉब चाहिए, अभी मुझे इंटर्नशिप चाहिए, मुझे कुछ तो चाहिए कि मैं अपना रेज्यूमे एटलीस्ट बढ़ा सकूँ, मैं अपने आप को मतलब कहीं तो खड़ा कर सकूँ कि हाँ मैं कुछ हूँ।
करेक्ट, और मुझे मैंने इवन अप्रेंटिसशिप के लिए भी डाला ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे रिप्लाई ही नहीं नहीं आया करेगा, कहीं कोई नहीं से। करेगा। देखो क्या होता है डियर, सबसे पहली हाँ चीज़ ये, सपोज तुमने मेरे पास एक रिज्यूम डाला, ठीक है, एंड तुम मुझे बोल रही हो कि सर मुझे इंटर्नशिप के लिए आप मुझे अप्रोच कर रहे हो, राइट? ठीक है, यस सर। मैं अगर तुम्हें हायर करता हूँ एज अ इंटर्न्स, राइट, हाँ तो ये सोचो कि मुझे तुम्हें कितना पैसा देना पड़ेगा। अब तुम बोलोगी सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, राइट? तो अब होता क्या है कि जब एक एम्प्लॉई को हायर किया जाता है ना, तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू स्पेस, मैं आपको स्पेस देने वाला हूँ बैठने के लिए, देर इज सम चार्जेस फॉर दैट, ठीक है। सेकेंड थिंग, आई एम गोइंग टू गिव यू गाइड टाइम, क्योंकि जब मैं सिखाऊंगा नहीं तो आप काम क्या करोगे, ठीक है। हाँ और आप अभी हाँ उस लेवल पे कि मेरा एक भी काम मेरे फायदे की चीज नहीं करोगे आप। हाँ हाँ, दिस इज समथिंग लाइक कि मुझे आप हायर कर रहे हो अपने घर में किसी काम के लिए, एंड आई एम नॉट एबल टू डू एनी सिंगल वर्क, मुझे झाड़ू हाँ लगाने भी नहीं आता, हाउ कैन यू गोइंग टू गिव मी मनी, और कुछ भी हाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना। आप बोलोगे हाँ खाना भी हराम हो जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है। हाँ तो मेरे अकॉर्डिंग पहले आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, हाँ और सर नो डाउट आपको आता है यार, ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपने पैकिंग नहीं किया उस चीज का, यस सर ठीक है। अब मुझे भी खाना बनाना आता है, अभी मेरे साथ मेरे दो लोग रहते हैं, वो लोग खाना बनाते हैं, अभी वो लोग खाना बना रहे हैं हाँ प्रॉपर, मुझे भी आता है, बट आई एम नॉट एबल टू डू कि मैं प्रॉपर कुक कैसे कैसे करना है, मुझे पूरी तरीके से नहीं पता है, उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बना प्रोसीजर दो। नहीं आइडिया है। एग्जैक्टली, हाँ तो वही तुम्हारा भी है, तुमने इंजीनियरिंग करके एक ऑलरेडी एक पास ले लिया है कि तुम एंट्री कर सकती हो। अब रिक्वायरमेंट क्या है डियर, अब रिक्वायरमेंट है कि कंपनी को क्या चाहिए, ठीक है। तुम्हें अगर अपने घर में नौकर चाहिए तो यू आर गोइंग टू सी कि उसको झाड़ू लगाना आता है, बर्तन धुलना आता है, सब्जी लाना आता है, तरह तरह की चीज़ें। मुझे अगर इम्प्लॉय चाहिए लाइक यू, तो मुझे देखना है कि मेरे कंपनी के लिए ड्राफ्टिंग का काम कर पाएगी क्या। तो ड्राफ्टिंग क्या होता है, ड्राफ्टिंग मतलब सिंपल स्केच, ठीक है। यस सर तो अब डेफिनेटली जब मैं हायर करूंगा फ्रेशर्स को, तो मैं यही ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा ना, तो अब तुम्हें ऑटो कैड आता है क्या, तो तुम बोलोगे सर मुझे ऑटो कैड आता है, बट वो ऑटो कैड मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऑटो कैड काम करने वाला चाहिए, मैं तुम्हें टाइम क्यों दूंगा सिखाने के लिए, हाँ गॉट इट। तो अब तुम्हें वो ऑटो कैड सीखना पड़ेगा जिस ऑटो कैड की कंपनी को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पहली चीज। ओके सर दूसरी चीज, केवल ऑटो कैड के बेस पे अच्छी कंपनी नहीं हायर करेगी, क्योंकि उन्हें उनका ज्यादा खर्चा होता है ना, ठीक है। तो दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि तुम स्ट्रक्चर में जाना चाहते हो, तुम्हें स्टैट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बेसिक नॉलेज होगा स्टैट प्रो का, चलो ठीक है, बेसिक आता है, थोड़ा बहुत हम एम्प्लॉय से सिखवा देंगे। तुमने दो वैल्यू क्रिएट कर दिया श्रेया मेरी कंपनी में, एक तो तुम ऑटो कैड पे भी मेरा काम करके दे दोगी, अब स्टैट प्रो पे भी दे दोगी, ठीक है। यस सर मेरे माइंड में आया कि इन केस मेरी कंपनी स्टैट पे काम नहीं करती, ईटैप पे काम करती है, ठीक है, और तुमको ईटैप भी आता है, तो मेरे माइंड में पॉजिटिविटी आ रही है कि श्रेया को हायर करने से ऑटो कैड का काम हो जाएगा, ईटैप का काम हो जाएगा, अब ईटैप के साथ सेफ भी अगर आता है, अरे वाह क्या बात है। तो मतलब अब श्रेया मेरे लिए वैल्यूएबल है अगर मैं हायर करता हूँ तो, ठीक है। यस सर इसके पहले तुम क्या दे रहे थे मुझे, कुछ भी नहीं, ठीक है, हाँ क्योंकि कोई स्किल्स नहीं थी ना। तो हमें सर कुछ न कुछ उनको ऐड करके इंटर्न के लिए अगर डाल रहे हो, ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिज्यूम में लिखो कि मुझे ये आता है, ठीक है, प्लस कवर लेटर, जैसे तुमने मुझे रिज्यूम भेजा था तो केवल रिज्यूम भेज दिया, ठीक है। इसके साथ एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देना चाहिए आपको, ठीक है, कि मैं कोर्सेज में सिखाता हूँ, ठीक है, और आपके लिए जो बेहतर है वो ऑल इन वन ही है डियर, बेहतर, ठीक है, सर कि बेहतर रीजन उसका बताता हूँ। वो ऑल इन वन क्यों दिया है मैंने, ऐसे लोगों के लिए ही दिया है जिनको अभी आइडिया नहीं लग रहा है, ठीक है। इन केस तुम्हारा इंटरेस्ट स्टैट में होगा या ई टैब में, अब तुम्हें पता ही नहीं है क्योंकि तुमने चलाया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। नहीं पता है। इसीलिए मैंने दोनों दे रखा है, और उसके साथ मैंने रेविट भी दे रखा, क्या पता तुम्हारा कल इन फ्यूचर तुम्हारा बीम में इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। तो एक ऑप्शन में मैंने रेविट भी दे रखा, उसमें सेफ भी दे रखा कि क्या पता तुम्हें फुटिंग का डिजाइन करना अच्छा लगे। उसके साथ डियर मैनुअल दे रखा है, एक्सेल दे रखा है, मान लो मेरी कंपनी बहुत पुराने टाइप की है, ठीक है, तो अब मैं मैनुअल एक्सेल पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो भी मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ। ई टैप पे बिलीव करता हूँ, वो भी दे रखा है, स्टैट भी दे रखा है, रेविट तुमने देखा होगा मे भी, ठीक है। वो तुम्हारे लिए बेटर इसलिए है क्योंकि उससे हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद तुम अगर किसी कंपनी में अप्लाई करती हो, तो मैक्स पॉसिबिलिटीज है वो सुमित सिर्फ तुम्हें इंटर्नशिप नहीं, तुम्हें कुछ न कुछ अमाउंट भी देगा, ठीक है। मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर कहीं पर फ्री में जॉब मिल सकती है क्या, मतलब बिना पैसे के, ठीक है। तो मैंने कहा वो तो मेरे पास ही है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें रखूंगा नहीं,
ठीक है, अभी हाँ मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया, देना है रिप्लाई उसको, तो अब शायद वीडियो के हाँ माध्यम से उसको मिल जाएगा, मैं रखूंगा नहीं। रीजन क्या है, हाँ ठीक है, फ्री में मेरे पास कौन आएगा जो अपने जिसको मत नहीं आता कुछ। जी कुछ नहीं आता, प्लस सीखने के बाद वो धीरे से निकल लेगा, हाँ ठीक है, मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे, ठीक है, मेरे को भी अभी कुछ भी नहीं आता। ठीक है। हाँ और तुम्हें आता नहीं हो तो ठीक है, चलो हम पैसा लगा रहे हैं, लेकिन अगर मैंने तुमको 4 महीने सिखाया हाँ और तुम गायब हो गई, मेरा क्या हाँ होगा? 4 महीने का मेरा टाइम चला गया ना, हाँ गॉट इट? और यही उसके साथ होगा, क्योंकि फ्री में कोई भी कंटिन्यू नहीं करेगा, डेफिनेटली तुम 2 महीने में देखोगी, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि तुम कहीं पर आ रहे हो, सर्वाइव कर रही हो, खर्चा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो अपने माइंड में आएगा ना कि रिचार्ज के लिए मैं पापा से मांग रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ कहने को, ठीक है, तो ये एक माइंड में आता है, तो उसके बाद इंसान सोचता है कहीं और मूव कर ले, तो मेरा 2 महीना लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्री में रखने में मुझे क्या दिक्कत होगा, बट नहीं रखूंगा मैं, किसी को भी रखता हूँ, मेरे पैसे देता हूँ, बिना पैसे दिए नहीं। लड़के बोलते सर मुझे फ्री में प्रोजेक्ट करने को दे दो, मैं बोलता नहीं, पैसे लो करो, ठीक है, इससे तुम इंटरेस्ट के साथ करोगे क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, प्लस गलती होगी तो डांट भी खाने के लिए तैयार रहोगे, ठीक है, तो ये सब इंटरेस्ट है, तो तुम्हारे लिए मेरे अकॉर्डिंग डियर ऑल इन वन एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, उसका मेन रीजन ये है कि तुम्हें अभी आइडिया नहीं है कि मुझे किस में जाना है, ठीक है, और 110% जब तुम अपने CV में ये ऐड कर लोगे कि मुझे ऑटो कैड, स्टैट, ई टैब्स, ये सारी चीज़ आती हैं, तो CV में तुम्हारे वजन आ जाएगा, पैकिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है, अभी तुम देखते हो ना कि जैसे कि बिल्कुल कोई भी जॉब के लिए अगर तुम हायर करते हो अपने घर में किसी को, ठीक है, मान लो तुम्हारा कोई बिजनेस है, ठीक है, मार्बल का तुम्हारा बिजनेस है, तो तुम ऐसे इंसान को रखना चाहोगे जिसको टाइल्स के बारे में पता है, ब्लैक टाइल्स कौन सी है, टाइल्स में सेरामिक की टाइल्स कौन, उसको आइडिया होना चाहिए ना, ठीक है, यस और सर ये मैंने 250 घंटे दिए हुए हैं ऑल इन वन में, 250 घंटे हैं, ठीक है, एंड दिस इज माई प्रॉमिस नॉट ओनली फॉर यू, सबके लिए, कि जिसने 250 घंटे डेडिकेशन के साथ पढ़ लिया, ठीक है, प्लस 250 घंटे प्रैक्टिस कर लिया, 500 घंटे चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंटरव्यू ना क्रैक कर पाए, ठीक है, सर तुमने अगर गेट का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, मान लो तो एक एवरेज में मान लो 5 घंटे काम मेहनत किया होगा, मान लो एवरेज में 5 घंटे, ठीक है, हाँ आराम से। ठीक है, तो अगर मैं 300 दिन लेके चलता हूँ तो 1500 घंटे तो तुमने दिए थे ना, ठीक है, तो 1500 घंटे में तुम्हारा एग्जाम निकल गया कि नहीं, और यही इतना बड़ा एग्जाम, और हाँ तुम्हें यहाँ पर तो तुम्हें 20-25 हज़ार की एक जॉब लेनी है, छोटी सी चीज है, 500 घंटे इज सफिशियंट, 500 घंटे लगाओ, और वो 250 घंटे उसको वॉच करके, एक बार नहीं याद क्लियर होता 2 बार वॉच कर लो, ठीक है, और मैं ये ध्यान देना कि सॉफ्टवेयर हमेशा वॉच करने वाला सिस्टम ज़्यादा बेटर होता है, जैसे कि अगर मान लो कि तुम कहीं पर, जैसे हम लोग ऑफलाइन सीखते थे पहले जब सब ऑनलाइन वगैरह नहीं होता था, तो सर हमें कमांड सिखा देते थे, फिर बोलते थे जाओ हाँ प्रैक्टिस करने चले जाओ, ठीक है, तो हम लोग कॉलेज के लाइफ में एकदम मस्त, अरे छोड़ो मास्टर का काम हो गया ना, हम निकलते हैं, ठीक है, अब जैसे तुम लोग मास्टर के लिए करते हो वैसे हम लोग भी करते थे, अरे छोड़ो यार निकला, अपन भी निकलते हैं, तो हम धीरे से निकल जाते थे, और जब 6 महीने बाद ऑटो कैड का टेस्ट होने लगा, मतलब स्कूल में, ओ सॉरी कॉलेज में, तो हमें पता ही नहीं था लाइन कमांड क्या होती है, तुम्हें पता नहीं ऑटो कैड तुम्हें आता है कि नहीं आता है सर। आता है, तो हम भूल चुके थे कि लाइन कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, ऑफसेट की शॉर्टकट, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है, और दूसरी चीज ऑफलाइन एक ऐसी चीज है कि एक बार देखा आप दोबारा तुमको नहीं बोल सकते ना, मान लो तुम मेरे से पढ़ रही हो, एक बार मैंने समझा दिया, तुम कल फिर से आ गए सर वो टॉपिक नहीं समझ आया, मैंने रिपीट कर दिया, परसों फिर से आ गए, उसके बाद तुम खुद ही शर्मा जाओगे कितने बार परेशान करो सामने वाले को, वॉट इट, बट वीडियो में ऐसा नहीं है, प्ले किया नहीं आया, फिर से प्ले किया, फिर से प्ले किया, तो इस तरीके से तुम ऑल इन वन कर लो, तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा डियर। और रही बात जॉब की, तो आप देखो जॉब के लिए फिर हाल मैंने उसके अंदर बता रखे हैं, CV परफेक्ट होनी चाहिए पहली चीज, ठीक है, दूसरी चीज आती हमको बहुत कुछ है, हमने पैक नहीं कर रखे हैं, तो मैं हमेशा पैकिंग के लिए बोलता हूँ कि तुम मान लो ऑटोकैड सीखा, इसको पैक कर दो कि ऑटोकैड में कोई कुछ भी दे मैं करके दे सकती हूँ, एक पैकिंग, दूसरा चीज तुमने अभी स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर्स पढ़े, सब्जेक्ट्स पढ़े, मान लो तुमने स्ट्रक्चर एनालिसिस, एक बार रिकॉल कर लो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे बता चुका हूँ कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, उनको सेट करके रख लो कि मुझे ये भी आता है, ठीक है, और उसके बाद सोम के लिए मान लो SFD, BMD, डिफ्लेक्शन पैक करके रख लो प्रैक्टिस करके कि ये मुझे आता है, तो एक हैंडबुक में लिख डालो कि मुझे आता क्या क्या है, ठीक है, अभी ऐसा है कि पूरा तालाब जैसा है और उसमें आता बहुत कुछ है बट क्लियर ही नहीं, अगर मैंने कुछ मांगा तुमसे तुम दे नहीं पाओगे, ठीक हाँ
ठीक है। और इसी की जगह पे अगर तुम्हें क्लियर है कि भाई मुझे, मतलब मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ अपना माइंड सेट क्लियर रखो। अब तुमने अगर स्ट्रक्चर मूड बना लिया है ना, दुनिया की कोई ताकत आए, बिलिंग कर लो, ये कर लो, नहीं करना, ठीक है, नहीं करना, ठीक है। मैं जब अपने बिजनेस में आ रहा था, लोग बोले इतनी अच्छी जॉब, 70,000 रुपये की जॉब छोड़ रहे हो, इतनी बड़ी जॉब किसके लिए होता है, तुमको पता है इतना पैकेज लोगों का ड्रीम होता है, वगैरह वगैरह। मैं कहा नहीं करना है, क्लियर, ठीक है। तो मतलब अपना माइंड सेट क्लियर रखो कि मुझे स्ट्रक्चर में जाना है, और जाना ही नहीं है, बेस्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है, ठीक है। उसके लिए जो मेहनत करना पड़ा, अभी मैं पी भी पढ़ा रहा हूँ, मैंने बच्चों को पहले भी प्रॉमिस कर रखा था, और अभी भी मैं उनको बोल रहा हूँ कि इस कोर्स को इंटरनेशनल लेवल पे सबसे हाई लेवल का बनाओ, ठीक है। मतलब मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? टीवी में क्या होता है? डियर, पीवी मतलब एक स्ट्रक्चर का ही एक, जिससे ऑल इन वन क्या है, ये आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए है, ठीक है। अब स्टील के लिए पीवी है, अच्छा, हाँ, प्री, हाँ, इंजीनियरिंग, यंग हाँ, समझ इंडिविजुअल, गई, जो ऑलरेडी पहले बना के फिर उसको वो करते ना। एग्जैक्टली हाँ, हाँ। याद आ गया, तो याद आ गया, ये अलग सेक्टर है, ठीक है। तो अब यस। ऑलरेडी बच्चों ने तो मुझे फी भी दे रखे है ना, ठीक है। मैं चाहूँ तो हाँ उनको बस ऐसे पढ़ा दूँ, बट मैंने कहा नहीं, यस सर, इसको बेस्ट बनाएंगे। बेस्ट क्यों बनाएंगे? तुम्हारी लाइफ में जब तुम इस चीज़ को ऐड करोगे, तो तुम्हें लगेगा कुछ वैल्यू है, कुछ मैंने सीखा हाँ हुआ है ना, ठीक है। हाँ और वो तुम डेफिनेटली, उसके बाद तुम्हारे फ्रेंड ने तुमको बोला ना कि आकाश सर का तुम वीडियो देखो, तुम्हें बेनिफिट होगा, हाँ तो वो भी हाँ किसी को बताएंगे, ठीक है। तो हाँ ये मैं तुम्हें अपना क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि तुम जब स्ट्रक्चर इंजीनियर बनो, तो इसी लेवल का बनो कि वो कंपनी वाला बोले यार मेरे पास जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है धांसू है, ठीक है, वो जो डिजाइन कर दे बेहतरीन, ठीक है, दूसरे कंपनी में तुम्हें खुद से ऑफर आने लगे। और ऐसा होता है जब आप कंपनी में एंट्री करते हो ना, तो अभी जैसे कि हम लोग जब कंपनी में थे, तो कंपनी की जो कंपटीटर कंपनियां होती हैं, वो सोचती हैं यार ये इतना पैसा कहाँ से कमा रहा है, अच्छा इसके पास कौन स्ट्रक्चर इंजीनियर है, पता करो लिंक्डइन के माध्यम से, तुम्हें खुद से हायरिंग आएगी। लेकिन ये सबको नहीं, उसको जो बेस्ट है, यस सर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो तुम अभी क्लियर माइंडसेट कर लो। अब गवर्नमेंट का ना लोग बोलते रहे कि देना है, नहीं देना यार, जाओ, ठीक है। नहीं, अब मेरे पेरेंट्स ने भी बोल दिया, क्योंकि हाँ अब ऐसा है कि जो मेरे कजन्स हैं, बहुत मतलब हैं मेरे जो एकदम ही, तो उनके साथ क्या हो, वो कर रहे थे यूपीएससी की तैयारी, तो उनकी अब हो गई 30 एज, और उनके पास कुछ ना एक्सपीरियंस है ना उन्होंने कुछ जॉब किया है, तो अब मुझे उनको देख के मुझे सीख मिली कि अब मुझे कहीं पकड़ लेना चाहिए। अभी मेरी इतनी एज नहीं हुई है, अभी मैं 24 में ही हूँ, तो अगर मैंने अभी नहीं पकड़ा तो 25 के बाद मुझे चीज़ें मिलना मुश्किल हो मुश्किल हो सकती हैं। जाएगी। इवन मुश्किल ही हाँ नहीं, क्या होती है कि अभी हमें कंपनी भी, कंपनी को भी लगता है ना कि हमें यंग ब्लड चाहिए, ठीक है। कंपनी भी क्या हाँ देखती है ना कि यंग एम्प्लॉयज देखती है, क्योंकि हाँ आप कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाओगे, ठीक है। हाँ जिस पैसे में आप होगे, उस पैसे में मैं कभी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ तो क्यों? क्योंकि हमारा एक ईगोस्टिक आ जाता है ना, एक तो डेफिनेटली नॉलेज भी आएगा, बट उसके बाद ये भी आएगा कि यार मैं इतने साल का एक्सपीरियंस, मैं इतना 1,000 रुपये लूंगा, ठीक है। हाँ तो जो छोटी कंपनियां होती हैं, वो देखती हैं कौन है टैलेंटेड प्लस यंग है, जो कम पैसे में काम कर ले, ठीक है, बिकॉज यू डोंट हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तुम्हें चलो ठीक है, हाँ 15,000 मिला, 20,000 मिला, यू आर हैप्पी विद दैट, ठीक है, इन हाँ स्टार्टिंग केसेस। ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी में हाँ लाइफ बिताओ, 15 लाख में जाओ, ये तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और जा सकते हैं, ये देखो डिजाइनिंग एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें अनलिमिटेड मनी है, ठीक है। यस सर क्योंकि अभी जैसे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास ऐसे लोग हैं जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अब मैं उनको प्रोजेक्ट देता हूँ, एक एक प्रोजेक्ट 30,000 35,000 रुपए के होते हैं। अगर वो, मतलब अगर वो श्रेया है, और श्रेया कंपनी में एक जॉब कर रही है, वहाँ 40,000 रुपये सैलरी ले रही है, और साथ में मेरे जैसे 5 6 लोगों से कॉन्टेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, एज ए आर्किटेक्ट कोई है, कोई भी कैसे भी है, और दो दो प्रोजेक्ट भी सबसे करती है, ठीक है, तो मतलब इनकम टैक्स उसको डबल देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये क्वालिटी सिर्फ डिजाइनिंग में है, साइट पे ये नहीं कर सकते हो आप। अगर आप साइट पर हो, मेरी साइट पर कैसे आओगे अगर किसी की साइट पर आप हो तो, ठीक है। बट डिजाइन में क्या हाँ है, इफ यू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट, अब हम लोग को डिजाइन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ग्रिड वाली लाइन है या फटाफट इंपोर्ट करते हैं, लोड लगाते हैं, एनालिसिस करके फाइनल कर दे दिया हमने। तो मेरे अकॉर्डिंग डिजाइन में जाइए, और डियर उसमें बेस्ट करियर भी तुम्हारा बन जाएगा, प्लस तुम्हारे अहमदाबाद में बहुत स्कोप है इसका। तुम कहाँ से, उसके आसपास मैं ही हो? अहमदाबाद में नहीं, मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश में थे, तुमने बीटेक वहां से किया ना, तुम इसलिए मैंने, मुझे किस किया? हाँ, सर, मैं वडोदरा में से मैंने बीटेक किया है, ओके, और मैं रहती, मतलब कि मैं एमपी में हूँ, एमपी सतना में, कहाँ में। पे, सतना में क्या? ओके सतना, ओके हाँ, मैं यस सर। पहले ट्रेन से आता था,
तब सतना में ट्रेन रुकती थी ना, सतना मैं इलाहाबाद से हूँ ना, इलाहाबाद पता होगा हाँ तुमको, हाँ इलाहाबाद यहाँ से 4 घंटे ही दूर है। 4 घंटे ही है ठीक है। सतना उसके आगे हाँ मैहर है ना, वो देवी जी का हाँ मंदिर मैहर, है, उससे पहले आता है मैहर, बस मैं हाँ मुश्किल से 20 20 मिनट 20 बजे का ही है। हाँ मैं गया हूँ, सतना गया हाँ हूँ, तो उसमें मैहर मुझे एक्चुअली जाना भी है, बट कभी कभी टाइम ही नहीं लगा, तो माता जी की जब दुआ होगी तभी आएंगे। तो मतलब कि देखो मध्य बिल्कुल आएगा सर, मैं प्रदेश मिलूंगी भी आपसे, मुझे मिलना भी है, अरे बिल्कुल मुझे गाइडेंस भी मिलेगा एक तरीके से यहाँ पे अच्छा भी। है। और तुम कोशिश करो कि बड़े शहर में मूव करो, लाइक इन MP देर इज इंदौर ठीक है, हाँ सर, जहाँ ठीक है हमेशा जब बड़े शहर में मूव करने की कोशिश करते हो ना फॉर बिगनिंग लेवल, उसके बाद तो तुम घर से भी काम कर सकते हो ठीक है, बिगनिंग लेवल पे दिक्कत होती है, तो बड़े शहरों में कंपनी ज़्यादा मिलेगी, खुला थोड़ा सा मतलब माइंड ना थोड़ा बहुत छोटे शहरों में कंजर्वेटिव हो हाँ जाता खुल है। जाता है, वो हो जाता है। और मुझे मेरे सारे जितने भी कलीग्स हैं सबने मुझे यही सजेस्ट किया, इवन जो मेरे वडोदरा के जो फ्रेंड्स हैं वो वहाँ जॉब ही करे, तो उन्होंने बोला एटलीस्ट यहाँ यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, अहमदाबाद में बहुत और है मेरा हाँ वो नोन भी सिटी है, तो बोला तू यहाँ पे आके यहाँ पे कर ले, फिर एक्सपीरियंस मिलता है तो अपने आप ही तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा, अपने आप ही तुम्हें कहीं चीज़ें पे भी मिलेंगी। रहोगे फिर सीख सकते हो। तो मैं ये मैं मालूम है सर, मैंने निकमार के लिए क्यों सोचा, मुझे ये लगा कि वहां से मैं एक कंपनी में घुस सकती हूँ, अच्छी कंपनी में, नोन कंपनी में क्या होता है एज देखो, ए। जब मान लो तुमने एजुकेशन लोन लिया ठीक है, सबसे लाइफ की सबसे गंदी चीज होती है ठीक है, क्योंकि उसके बाद 5 साल तक आपका ग्रोथ जो होता है ना वो लोन में जाता है ग्रोथ आपका ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज की सपोज यू स्पेंड 15 लाख ठीक है, प्लस नॉट ओनली 15 ईयर्स, यू स्पेंड योर 2 ईयर्स मोर, 2 साल आपने इन्वेस्ट किए और 15 लाख यस कुछ भी सर, एक्स वाई जेड पैसा मान लीजिए पैसा मिला आपको, वहां पर पूरा का पूरा 15 लाख भरना है प्लस 2 लाख, और इवन देर इज नो गारंटी, कोई ये तो है नहीं कि आपने कर लिया तो मतलब आपको हो ही जाना है ठीक है। तो हाँ मेरे अकॉर्डिंग कि अगर आप, और पहली बात जब तुमने क्लियर कर रखा है स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर का है ही नहीं हाँ ठीक है, वो स्ट्रक्चर का है नहीं, डिजाइनिंग का ही है, वो इवन मैनेजमेंट का आर्किटेक्ट है। एक, हाँ सर वो मैनेजमेंट का है। और मैंने एक आर्किटेक्ट है मेरे भैया, उन एक भैया के रेफरेंस में मिले हैं वो, और वो अच्छे खासे डिजाइनर हैं, तो भैया ने बताया कि वो काफ़ी अच्छे डिजाइनर हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी है उनकी, तो मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम पहले तो अपने पूरे स्ट्रक्चर्स की एक एक चीज़ें डिज़ाइन सीखो, उन्होंने मुझे सीधा सीधा बोला कि तुम डिज़ाइन सीखो। तो मैंने कहा आप डिज़ाइन किस रेफरेंस में बोल रहे हो, आप मुझे सॉफ्टवेयर के रेफरेंस में बोल रहे हो कि पेपर उसके रेफरेंस में बोल रहे हो। बोले पहले पेपर से तुम क्लियर करोगे तब तो तुम कुछ बना पाओगे, तो उन्होंने मुझे बस इतना गाइड किया, फिर बाकी वो बिजी थे तो उन्होंने बोला बाद नहीं में गाइड देखो करूंगा। इसमें जो ऑल इन वन है, इसमें मैंने पेपर से भी किया है ठीक है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है ठीक है, मैं हमेशा कुछ भी काम करता हूँ तो बेस्ट करना है, नहीं तो नहीं करना है ठीक है, तो मैंने वही किया है। और इसमें डियर मैंने पेपर से, एक्सेल से, सॉफ्टवेयर से, कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है ठीक है, तो यस अब सर, बचेगा क्या, कहाँ से लेके आएंगे ना। तो इसलिए यस उस सर, तरीके से जब हम लोग PEB का बैच कर रहे हैं हम लोग, तो PEB एक्चुअली में मैक्सिमम जॉब स्टैट्रो पे होती है PEB की, बट हमने केवल स्टैट नहीं लिया, हमने कहा ETAP पे भी करेंगे, टेक्ला पे भी करेंगे, स्टैट पे भी करेंगे, और टेक्ला डिजाइनर पे भी करेंगे, कहीं से छोड़ो ही मत, ऑप्शन मिल जाएगा अपने आप ठीक है। तो ऑल इन वन यस इज सर, बेस्ट फॉर यू, गाइड करते हैं अभी, हाँ समराइज करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमें भी 10 बजे दूसरे फिर से कुछ काम में लगना है। तो इस तरीके से यस तुम सर, कर सकते हो, और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो यस अभी। सर, ठीक है सर। अभी तो यही है कि कोर्स करते रहूँ, अभी 6 महीने तो लग जाएंगे मुझे वो पूरा कोर्स करके, प्रैक्टिस करते करते अगर फुल पूरा टाइम करोगे तो 4 महीने में हो जाएगा। 4 महीने में हो जाएगा, फिर उसके बाद सर कैसे मैं किसी कंपनी में वो करूँगी, पूरा डालूंगी अपना उसके CV है बाद ना। नहीं करना है, ये तो गड़बड़ी होगी। हाँ उसके बाद करोगे तो क्या होगा, उसके 1 महीने बाद तुम्हारी CV सिलेक्ट होगी। ऑटो हाँ कैड और स्टेट प्रो टारगेट बनाओ कि 1 महीने में कर लेना है हाँ ठीक है, स्टेट प्रो के आधे पर हो, तभी मैंने बता रखे हैं रिज्यूम कैसे तैयार करना है, लिख दो ऑटो कैड स्टेट प्रो। हाँ अगर 4 घंटे प्रैक्टिस करते हो तो 1 घंटा अप्लाई करो ठीक है, ओके हाँ जब तक CV शॉर्टलिस्ट होगी तब तक तुम्हारा स्टैट प्रो कंप्लीट हो जाएगा हाँ ठीक है, और जब तक तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तब तक ETAP के आधे में पहुंच जाओगे हाँ ठीक है, और मे भी तुम्हारा यस सर, सिलेक्शन होते होते ETAP कंप्लीट हो जाए यस सर, ठीक है। तो मतलब ये तो वही हो गया कि मान लो कि मुझे, मैं बहुत पहले किसी को बताया भी था मैंने कि मुझे एक यूट्यूब पे क्या बोलते हैं इसका हेल्थ फिटनेस का एक वीडियो बनाना था, मतलब चैनल बनाना था ठीक है, तो मुझे लगा कि मैं पहले खुद को फिट करता हूँ फिर बनाऊंगा, और वो दिन आया ही नहीं अभी तक ठीक है, क्यों नहीं, क्योंकि हमने सोचा पूरी तैयारी करने के बाद आक्रमण करूंगा, ये गलत है ठीक है, आक्रमण करते रहो, तैयारी करते रहो।
गॉट इट। तो आप जी हाँ ऑटो सर, ऑटो कैड पढ़ के स्टैट प्रो में एंट्री किया, रिज्यूम में ऐड करो ऑटो कैड स्टैट प्रो, अप्लाई करना स्टार्ट, क्योंकि आज अप्लाई करोगे 1 महीने बाद कंपनी का रिप्लाई आता है, ठीक है। ओके और डेली एक कंपनी में नहीं करना है, 10 से 20 कंपनी में करना है, ठीक है, ये भी सीधा देना। और ये तैयार रहना कि करियर में जाके सर, उनके वेबसाइट में जाके कि लिंक्डइन के थ्रू सर? हर प्लेटफॉर्म पे अच्छा तरीका होता है कि आपको लिंक्डइन पे भी जाके करना है, मतलब मैसेज के थ्रू कवर लेटर के साथ, मैंने बताया है स्टैट प्रो वाले उसमें लेक्चर में सब, कवर लेटर के साथ अप्लाई करना है। उसके बाद नौकरी डॉट कॉम पे, उनके वेबसाइट पर करियर का ऑप्शन है तो वहां पे, और पर्सनल ईमेल आईडी मिल जाती है तो मच बेटर है। क्या होता है कि अभी इसमें मुझे कुछ लोग अप्रोच करते हैं ना, तो अभी लिंक्डइन पे मैं कभी कभी देखता हूँ कि मेरे पास लिंक्डइन पे अभी मैं खोलूंगा तो कम से कम 500-600 मैसेज होंगे, ठीक है, तो मैं पिक नहीं करता हूँ, मैं से अभी पिक सीन कर लूंगा तो लोग बोलेंगे रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, फिर वो बताएंगे ईगो आ गया है, ये आ गया है, मतलब दुनिया भर की कहानियां सुनाएंगे, राइट। तो वो सुनने से बेटर है कि सीन ही नहीं करते, ठीक है। तो मतलब ये मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ कि कंपनीज के साथ ऐसा होता है कि सारे मैसेज सीन नहीं कर पाते हैं, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं से पिक हो जाएगा, ठीक है। प्लस याद रखना कि इसमें 10 अप्लाई करोगे तो 4 से 5 फेक कॉल आने फिक्स है। सर 20 आते थे, एक एक दिन में हाँ, इतने कॉल्स आते थे मेरे तो पास नौकरी उसमें डॉट कॉम ट्रू पे। कॉलर रहता है, आजकल तो फ्रॉड वाला दिख जाता है, अगर वो नहीं भी है तो कोई भी अगर पैसा मांग रहा है फेक है, रियल अगर होगा तो पैसे नहीं मांगेगा, दैट्स इट, ठीक है। बस ये पहचान बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग क्या करते हैं, फ्रेशर लोग बहुत पैसे दे देते हैं इन सब चीजों में। और अभी तुम अपने दोस्तों से पूछना, कोई एलएनटी के लिए दिया होगा 15,000, तो कोई किसी कंपनी के लिए, और कहीं से कुछ नहीं आता है क्योंकि सब फेक होता है, ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, और आप करके ऑल इन वन थैंक करके यू सर। स्टार्ट करो, ठीक है। ओके ओके सर, ठीक है, ओके थैंक ओके। यू।